सनातन ऋषियों के वीर भोग्या वसुंधरा उद्घोष को बुंदेलखंड परिक्षेत्र साकार करता है। आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी द्वारा सर्वप्रथम बुंदेलखंड की पहाड़ी शेरपुर बांदा पर अपना चरण रखते ही ये क्षेत्र वंदनीय हो गया। बुंदेलों, परिहारों तथा चंदेल राजाओं का बुंदेलखंड में योगदान अतुल्य है, जिनके शासन में बनाए गए तालाब, कूप आज भी स्वयं अपनी कहानी कह रहे हैं। जल के बिना जीवन की परिकल्पना बेमानी है। जल था तो कल था, जल है तो आज है, और जल होगा तो कल भी होगा। इसी कल के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण को जन जन का अभियान बनाने के लिए जन शक्ति जल शक्ति का आह्वान किया था। जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा के बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास करें। वीर बुंदेलों की धरती बुंदेलखंड सदियों से सिंचाई और जल संसाधनों की कमी से जूझ रही थी। 50 के दशक में यहां अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध, चंद्रावल नदी पर चंद्रावल बांध तथा कुल्हारी एवं मगरिया नाले पर कबरई बांध का निर्माण किया गया था। कालांतर में अपर्याप्त वर्षा एवं भूजल के बेतहाशा दोहन से इन नदियों में पानी कम होता गया और बांधों में जल संग्रहण नगण्य हो गया। हाल ये हो गया कि इन बांधों का बड़ा कृषि क्षेत्र वर्षा पर आश्रित हो गया। समय से वर्षा न होने पर बुआई तक नहीं हो पा रही थी और किसान पलायन को मजबूर थे। इस समस्या के निराकरण हेतु अर्जुन सहायक परियोजना परिकल्पित की गई। धसान नदी पर निर्मित लहचुरा बांध से अर्जुन, चंद्रावल व मगरिया नदियों को जोड़ने वाली इस परियोजना का कार्य वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया। समय पर धनराशि प्राप्त न होने के कारण परियोजना पिछड़ती चली गई। वर्ष 2017 में योगी जी के सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सहयोग से परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का संकल्प लिया गया और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में ये परियोजना पूर्ण होकर लोकार्पण हेतु तत्पर है। इस परियोजना की कुल लागत 2655 करोड़ रुपए है। लहचुरा बांध से अर्जुन बांध तक 42 किलोमीटर अर्जुन फीडर नहर का निर्माण, अर्जुन बांध से कबरई बांध तक कुल 32 किलोमीटर कबरई फीडर नहर का निर्माण तथा चंद्रावल बांध को भरने के लिए एक स्केप चैनल का निर्माण किया गया। इसके साथ ही कबरई बांध की ऊंचाई बढ़ाकर इसकी क्षमता को 10 गुने से अधिक कर लिया गया है और कुल 245 किलोमीटर नई नहरों का निर्माण एवं 184 पक्के कार्यों का निर्माण किया गया है। अर्जुन सहायक परियोजना आज महोबा, हमीरपुर और बांदा जनपदों के लिए संजीवनी बन गई है। इससे कुल 59,485 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के साथ साथ महोबा शहर के लिए 200 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होगा। आज इन जनपदों के 1.5 लाख से अधिक किसानों के लहराते खेत और मुस्कुराते चेहरे ये बात साफ जाहिर कर रहे हैं कि इस परियोजना ने यहाँ की तरक्की के रास्ते खोले हैं। इस अर्जुन सहायक परियोजना के अतिरिक्त जनपद महोबा में ही रतौली बांध परियोजना, जनपद हमीरपुर में मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना एवं जनपद ललितपुर में भावनी बांध परियोजना की अन्य 3 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, जिनसे 5,450 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी व 8,800 कृषक लाभान्वित होंगे। भारत सरकार के मोर क्रॉप पर ड्रॉप अर्थात पानी की प्रत्येक बूंद से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के अंतर्गत जल वितरण की बेहतर दक्षता को ध्यान में रखकर मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना निर्मित की गई है। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों से साकार होता विकसित एवं समृद्ध बुंदेलखंड का सपना। उन्नत खेती, समृद्ध किसान, हरित बुंदेलखंड, खुशहाल बुंदेलखंड।